उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में एक महिला से बदतमीजी, उसके बाद सोसाइटी में गुंडई, उसके बाद फरारी, उसके बाद पुलिस के मुंह पर दरवाजा बंद करना। एक मनबड़ बीजेपी नेता की हरकत इतनी बढ़ गई कि इस बार योगी सरकार को अब बुलडोजर का एक्शन करने को मजबूर होना पड़ा है। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी के बाहर खड़ा ये बुलडोजर इस बात की तस्दीक है कि अगर अब कोई बदतमीजी की गई तो इस बार सब कुछ तोड़ डाला जाएगा। नोएडा की जिस ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में बीती रात जमकर बवाल हुआ है, जिस ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सीधे लखनऊ के अफसरों को इस बात की हिदायत दी है कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, जिस ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में 15 लड़कों ने घुसकर जमकर उत्पात किया है, अब उसी ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी के बाहर सीएम योगी का बुलडोजर पहुंचा है। अपनी सोसाइटी में अवैध अतिक्रमण करने वाले श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी की जा रही है। श्रीकांत त्यागी वही शख्स है जिसने बीते दिनों एक महिला के साथ अभद्रता की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नोएडा के डीएम, कमिश्नर, सांसद, विधायक सब मौके पर पहुंच चुके हैं। इस बार श्रीकांत त्यागी को किसी भी कीमत पर बख्शने की तैयारी नहीं है। वही लखनऊ से आदेश दिया गया है कि श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर लगा दिया जाए, अवैध निर्माण जेसीबी से तोड़ दिए जाएं और किसी भी कीमत पर अगले 48 घंटे के अंदर उसे जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाए। लेकिन श्रीकांत की गुंडई का आलम यह है कि बीती रात 15 गुंडे सोसाइटी में घुसे, पूछा कि किस महिला ने कंप्लेन की थी, कहां रहती है वो, उसका पता क्या है, और उसके बाद जमकर शुरू हुआ उत्पात। सोसाइटी के लोगों ने फिर मोर्चा संभाला, पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। हालत ये हुई कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को मौके पर पहुंचकर अफसरों की क्लास लगानी पड़ी। ये कहना पड़ा कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गुंडे कैसे घुसे, शर्मिंदगी है, हमारी सरकार है। लेकिन रात होते होते ये पूरा मामला दिल्ली से लौटे सीएम योगी के दरवाजे पर पहुंचा तो योगी ने सख्त शब्दों में आदेश दे डाला, इस बार कोई भी नहीं बचेगा, चाहे बीजेपी के कितने भी बड़े नेता के साथ फोटो हो, चाहे बीजेपी के कितने भी बड़े कनेक्शंस हो, लेकिन कानून व्यवस्था अपनी जगह है। नोएडा की सोसाइटी के बाहर खड़ा बुलडोजर इस बात को साफ करता है कि श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वही श्रीकांत त्यागी जिसकी पत्नी ने पुलिस के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था, वो श्रीकांत त्यागी फिलहाल फरार है, लेकिन 48 घंटे के भीतर जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। पुलिस की कई टीमें लगी हैं। बुलडोजर के बाद श्रीकांत का क्या होगा, आने वाले समय में साफ हो जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।